जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। संतोषी माता का व्रत और पूजन विधि। सातों वारों का व्रत। श्री संतोषी माता के व्रत के बारे में आइए सर्वप्रथम जानते हैं। संतोषी माता को संतोष सुख शांति वैभव की देवी के रूप में पूजा जाता है। संतोष हमारे जीवन में जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हो जाता है। संतोषी माँ जीवन में संतोष भी देती है, धन धान्य सभी प्रकार के सुख भी देती हैं। संतोषी माता का व्रत पूजन करने से धन धान्य विवाह संतान भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ये व्रत शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में शुक्रवार से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सुख सौभाग्य की कामना से माता संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर सफाई इत्यादि पूर्ण करें। स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माँ संतोषी की प्रतिमा का चित्र रखें। माता संतोषी के सम्मुख एक कलश जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ और चना उसमें रखें। फिर एक दीपक जलाएं। अक्षत फूल सुगंधित गंध नारियल लाल वस्त्र लाल फूल इत्यादि चुनरी अर्पित करें। संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग अवश्य ही लगाएं। संतोषी माता की जयकार करके कथा प्रारंभ करें। इस व्रत को करने वाले को कहते सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखना चाहिए। संतोषी माता की जय बोल करके कथा प्रारंभ और जय बोलकर ही समाप्त विश्राम देना चाहिए। हाथ का गुड़ चना गाय को खिला देना चाहिए। कलश के ऊपर रखा गुड़ चना प्रसाद रूप में बांटना चाहिए। कथा से पहले कलश को जल से अवश्य भरना चाहिए और बचा जो जल है उसे तुलसी की क्यारी में सींच देना चाहिए। श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले स्त्री पुरुष को ना ही खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही किसी को खिलाना चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक नहीं कमाता था। वह बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती थी। 7वें को बचा जूठन देती थी। बड़ा भोला था 7वां, कुछ सोचता ना था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। उसने कहा, तुम्हें सभी का जूठन जो खिलाती हैं फिर भी तुम ऐसा कहते हो, चाहे तो समय आने पर देख लो। एक दिन कोई त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया। देखने लगा माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया, 7 प्रकार के भोजन लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वे 6 उठकर चले गए तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठा किया और एक लड्डू बनाया। 7वें लड़के से बोली, आजा रोटी खा लियो। बोला, माँ भोजन नहीं करूँगा, भूख नहीं है, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो आज चला जा, अभी चला जा। पागर से निकल पड़ा। चलते समय उसे पत्नी की याद आई और गौशाला में वो कंडे बना रही थी। वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, चाहो पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत विसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप बना दी। वह लड़का चल पड़ा। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा बनाती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भैया नौकरी पर रख लो। व्यापारी को भी नौकर की जरूरत थी। वह बोला, काम देखकर तनख्वाह देंगे, तुम रह जाओ, सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बना।
उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं चला गया। उधर उसकी पत्नी और सास जिठानियां पत्नी को सताती थी। वो बेचारी लकड़ी लेने जंगल में जाती थी और रास्ते में वो बड़ा कष्ट सहती थी, लेकिन लकड़ी लेकर आती थी। आने पर उसे भूसी की रोटी नारियल में पानी दिया जाता था। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई सारी औरतों को व्रत करते देखा। वह उसे पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। एक स्त्री बोली, यह संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी मन की चिंता दूर होती है, राज के मुकदमे कलह रोग नष्ट होते हैं, संतान सुख धन प्रसन्नता शांति मन पसंद वर सभी कुछ मिलता है, पति बाहर हो तो शीघ्र आता है। व्रत की विधि पूछी और उसने बता दी। उसने रास्ते में कुछ लकड़ियां बेची और उसे गुड़ चना लिया। व्रत करने की तैयारी की, सामने एक मंदिर देखा तो लोगों से पूछा किसका है, कहने लगे संतोषी माँ का है। वह मंदिर गई और माँ के चरणों में लौटने लगी, दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो, माँ को दयाई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी मिला। अब तो जेठ जेठानी सास नाक सिकोड़ने लगे, कहने लगी अब तो इनकी खातिरदारी बढ़ जाएगी, बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आए तो हम सब के लिए अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माँ के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ मैंने पैसा कब मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा पति आएगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, प्रातःकाल उठकर नहा धोकर मेरा नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत दुकान पर बैठ जा, देखते देखते सारा काम हो जाएगा, लेन देन साफ होगा, धन का ढेर लगेगा। प्रातःकाल उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब तो हंसी उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं क्या। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माँ ने कहा है स्वप्न में वैसा कर। उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक चलाया, दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हुआ, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ, घर के लिए गहने और कपड़े सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर उसकी बेचारी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माँ से पूछा, हे माँ यह कैसी धूल उड़ रही है। माँ ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के तीन बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वो यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच गट्ठर डाल करके जोर से तीन आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और जब पति पहुँचा तो पीछे से जाकर चौक में गट्ठर डालकर कहने लगी, सासू जी गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों के लिए दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा चावल भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर पति बाहर आया, अपनी पत्नी के हाथ में वो अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भर घूमती है, काम काज नहीं करती, तुझे देख कर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे ऊपर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है जैसी तेरी मर्जी, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा के समान ठाट बाट वाला हो गया। इतने में अगला शुक्रवार आया, बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे
संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा करो ना, जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को चीमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उद्यापन ना पूरा हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, या तो संतोषी माँ का व्रत है। लड़के खड़े हो गए, बोले कि पैसे दे दो। वह भोली समझ ना पाई, पैसे दे दिए और उस पैसे से इमली खटाई खरीद कर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने रोज क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोती हुई माँ के मंदिर में गई, उनके चरणों में गिर कर कहने लगी, हे माँ यह क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुला रही है। माँ बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अपना अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है, सब भुला दिया इतनी जल्दी। वह कहने लगी, मेरा कोई इसमें अपराध नहीं है माँ, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया है, भूल से पैसे दिए। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने बुलाया था, मैं उन्हें मिलने गया था, टैक्स देने इतना पैसा जो कमाया है। वे दोनों चल पड़े घर की ओर। कुछ ही दिन बाद अगला शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। जेठ के लड़कों को फिर से कहने गई। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर खटाई फिर से आकर मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, खाना हो तो खाओ, नहीं तो नहीं। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को फिर बुलाकर वो नहीं आए तो भोजन उन्हें कराया। ब्राह्मण के लड़कों को यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी दी। इससे संतोषी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। माँ संतोषी की कृपा से नवे मास में एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है, मेरे मंदिर आती है, आज मैं इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर उस माँ ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर को सूंड के समान होठ जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहली में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो कोई डाकिनी आ रही है, भगाओ नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ मेरे घर आई है। या कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी मैं जिन माँ का व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। या कहकर उसने सारी खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिए और माँ संतोषी के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगी, हे माँ मूर्ख है, ज्ञानी है, पापिनी है, हम आपकी व्रत विधि कथा को नहीं जानते, हमने आपका व्रत भंग करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है, जगत माँ आप हमारा अपराध क्षमा करो। और बहू ने कहा, हे माँ इन सबको क्षमा कर दो। इस पर माँ प्रसन्न हो गई और बहू ने कहा कि हे माँ आपका जो भी व्रत करे श्रद्धा भक्ति भाव से नियम संयम का पालन करे, हे माँ तेश्वरी आप उसके जीवन में सुख सौभाग्य धन वृद्धि मनोवांक्षित फल सुंदर वर पति प्रेम सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हे माँ उसकी करना। माँ ने कहा कि हाँ ये कथा जो भी सुनेगा जो भी पढ़ेगा ये व्रत करेगा उसके जीवन में मेरी कृपा आजीवन बरसती रहेगी, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए 16 शुक्रवार तक। फिर आरती और फिर प्रसाद वितरित करना चाहिए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। प्रेम से बोलिए आप सभी संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता अपने सेवक जन की सुख संपन्न।
शक्ति दाता मैया जय संतोषी माता सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की हो हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार की बदन कमल सोभे मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे ओम जय संतोषी माता स्वर्ण सिंहासन बैठी चमर दुरे प्यारी धूप दीप मधुमे ओम जय संतोषी माता गुड़वरुचना परम प्रिय तामे संतोष किए संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए ओम जय संतोषी माता सुप्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही ओम जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई विनय करे हम सेवक चरणन तिर नाई ओम जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीज जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे ओम जय संतोषी माता दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए बहुधन धान बरे सुख सुख सौभाग्य दिए ओम जय संतोषी माता ज्ञान धरे जो तेरा वांछित फल पायो पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो ओम जय संतोषी माता चरण रखियो जगदम्बे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे ओम जय संतोषी माता संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे मैया प्रेम सहित गावे रीति सीधि सुख संपत्ति जी भर के आवे